अलग विंध्य राज्य की मांग के बीच बंसल न्यूज ने इस विषय को विंध्य के जनप्रतिनिधियों के बीच रखा, लेकिन शनिवार को रीवा में हुए एक खास कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों ने अलग विंध्य की मांग को खारिज कर दिया। सभी ने एक ही स्वर में कहा कि इसका एकमात्र हल विंध्य के विकास को गति देना है। बंसल न्यूज के मंच पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने विंध्य के विकास का विजन भी सामने रखा। विंध्य प्रदेश हमने पहले निवेदन किया कि परिस्थिति निर्मित हुई, विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई। ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि विंध्य प्रदेश का समापन हो गया, लेकिन बिना विंध्य प्रदेश की स्थापना के भी हमारा सतत विकास सर्वांगीण हो रहा है। समूचे क्षेत्र में जो मानव जाति के लिए, एक राज्य के लिए, एक देश के लिए अति आवश्यक है। इसकी आवश्यकता नहीं समझते? परिस्थिति आएगी, वो अपने आप जब जन भावना बनेगी, जनता की आवाज गूंजेगी, जनता चाहेगी तो स्थापना हो जाएगी, और जन भावना नहीं चाहेगी तो नहीं होगी। तो एक बात इसका सलूशन नहीं है कि प्रदेश बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा। हमको एक समग्र दृष्टिकोण से सोचना होगा। जैसे मैं सिमरिया विधानसभा से आता हूं, हम उस क्षेत्र से ही आते हैं जहां एक तरफ तो शास्त्री जी हैं जो पूरे विंध्य की तस्वीर कैसे बदलेगी इसके लिए बाणसागर जैसी परियोजना का शिलान्यास कराते हैं, और दूसरी तरफ बसामन मामा है जो उनकी पूरी कहानी आप सुनेंगे तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जान गवाई, एक प्रतिज्ञा की, और एक छोटे बेटे, एक छोटा बच्चा था, उनको मामा कह देता है, और उस मामा कह देने मात्र से उन्होंने अपनी जो है प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो इस तरह से हम लोग रिश्तों की कद्र करने वाले विंध्य के लोग भी